नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जेडीयू की 5 सदस्यीय टीम गया के बेलागंज पहुंच चुकी है। जेडीयू की इस टीम ने सबसे पहले पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और फिर घटनास्थल का मुआयना भी किया। बता दें कि पिछले हफ्ते में थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग लड़की का शव एक खेत से बरामद हुआ था। शव को देखकर आशंका जताई जा रही थी कि रेप के बाद गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी गई है। मृतका के भाई ने बताया कि वो घर से सुबह ही शौच के लिए निकली थी। 11 तारीख को सुबह में घटना हुआ है सर। क्या घटना हुआ? सारा काम करने के बाद उसके साथ जो रेप वाला किया है, रेप किया है, उसके गर्दन दबाकर मार दिया गया है। लेकिन काफी देर होने के बाद जब वो घर नहीं लौटी तब उन्होंने उसकी छानबीन शुरू की और इस दौरान खेत से उसका शव बरामद हुआ। वही पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो निष्पक्षता के साथ पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को सजा दिलाएगी। जांच में कौन सा ये गांव है? कौन सी? वेला कुरमथु कटोला है, वेला गांव है। और यहां पर एक लड़की जो इसकी हत्या हुई थी और उसी का जांच है। एफएसएल टीम भी आके जांच किया है, उस पर भी चल रहा है और हम लोग भी और सीनियर अफसर लोग भी इस पर जांच हो रहा है और जल्द ही कुछ बने। जबकि मखदुमपुर विधायक सतीश दास ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इंसाफ के लिए आंदोलन करने की बात कही है। सबसे पहले तो ये घटना मानवता को शमशार करने वाली घटना है और घटना के बाद जो सरकार की रवैया है वो दिखाता है कि महिला सुरक्षा के प्रति कितना गंभीर है सरकार। घटना के बाद सूचना दी जाती है, पुलिस देर से पहुंचती है, किसी तरीका का कोई छानबीन नहीं होता है और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को वहीं जलाने की कोशिश होती है। तो मेरे हस्तक्षेप के बाद बॉडी को फिर घर भेजा जाता है। उसके बाद बार बार सरकार का बयान बदल रहा है, पुलिस प्रशासन इसको लेकर के कितनी भी गंभीर नहीं है। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए जेडीयू की एक टीम मौके पर भेजी गई है और अब मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही गया के दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।